रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे। एक और वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने आ गए हैं जनाब, और वीडियो है क्रैगलिस्ट के रिलेटेड कि क्रैगलिस्ट पर पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, प्रॉपर तरीकेकार क्या है, अब प्रॉपर उसकी कैटेगरीज किस तरह सेलेक्ट करेंगे, काफ़ी अर्सा हो गया, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जो आखिरी बात बतानी, पहले बता रहा हूँ कि वीडियो पूरी देख लेना अगर सीखना है पूरा प्रोसीजर। अगर कोई भी अब स्किल की वीडियो सीख रहे हो ना, देख रहे हो, तो उसको काइंडली पूरा देखा करो, मेरी नहीं किसी और की वीडियो भी हो। अगर आप स्किल वाली वीडियो को देख रहे हो तो उसको कंप्लीट देखो, ताकि कई चीज़ें होती हैं जो आपको एंड में पता चलती हैं। इस वीडियो में भी आपको एंड में भी अच्छी चीज़ें, खासी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसको प्रॉपर पोस्ट करने का तरीका, ताकि आपकी एड जो है वो फ्लैग ना हो क्रैगलिस्ट पर जो आप पोस्ट करोगे यूएसए में, तो आपकी एड जो है वो फ्लैग ना हो, उसका तरीकेकार क्या है, प्रॉपर किस तरह से हमने पोस्ट करनी है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई हैं। और इंशाल्लाह अच्छी तरह आपको समझ भी आ जाएगी अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो। अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो नहीं पूरी समझ आएगी ना, आधी आएगी आधी नहीं आएगी। लेकिन खैर, कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, आपको उम्मीद है सारी समझ आ जाएगी। और अगर चैनल पर नया हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी क्लिक कर दो, और वीडियोज़ को लाइक वगैरह भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। तो ठीक है, ज़रा स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आपको क्रैगलिस्ट के ऊपर पोस्ट करने का तरीकेकार जो है वो समझाता हूँ, किस तरह से उसको पोस्ट करना है हमने। चले ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं जी। हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ भी क्रैगलिस्ट पे हमने किस तरह से प्रॉपर पोस्टिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं इतने अर्से के बाद। एक वीडियो थी मेरी जो आपको मैंने बताया, बहुत पहले बनाई थी क्रैगलिस्ट पे, अबाउट दो से ढाई साल हो गए उसको। सो क्रैगलिस्ट हमने खोल लिया जी, ठीक है। क्रैगलिस्ट में हमने क्या करना है, पोस्ट करना है। पोस्ट करने के लिए ये हमने जगह सेलेक्ट करनी होती है कि किस जगह पे हम पोस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तो आप मैप से सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा चीज़ होता है नियर बाई में आप जो रीजन है आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर करना है। मैं फिलहाल हाई रॉकीज़ में कर रहा हूँ, सीओ में, कोलोराडो स्टेट के अंदर। दूसरा यहाँ पे मैं सिटी बीच डाल सकता हूँ कि मैं अगर सिटी कहता हूँ फोर्ट गैरलैंड है ये, ठीक है, तो ये उसी जगह पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ ये जो है ना लोकेशन वो चूज़ करके सेलेक्ट करूँ, तो इस लोकेशन की जो एरिया ये जो आ रहा है सिर्फ यहीं लोगों को नज़र आएगी, पोस्ट इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आएगी। ये मेन चीज़ होती है कि आपने एरिया सेलेक्ट करना होता है, खासकर सिटी में आप कर रहे हैं या जहाँ आपको क्लाइंट क्या है। सो मेरे क्लाइंट ने मुझे यही कहा कि मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनमें मैंने अपनी पोस्ट करनी है। सो पोस्ट करने के लिए हम स्टार्ट क्या करेंगे, क्रिएट अ पोस्टिंग। पहले हमने एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, लोकेशन, देन क्रिएट अ पोस्टिंग पे हम चले जाएंगे। क्रिएट अ पोस्टिंग के बाद यहाँ पे ये आपको जॉब ऑफर्ड, गिग ऑफर्ड, रिज्यूम जॉब, हाउसिंग वांटेड, हाउसिंग ऑफर्ड फॉर सेल बाय ओनर एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी की लुके कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, फॉर सेल बाय ओनर या डीलर, या यहाँ नहीं जाएंगे डायरेक्ट। अगर हमें चाहिए हम यानी कि एजेंट वगैरह के लिए करेंगे हमें, या इन्वेस्टर के लिए, तो वांटेड में हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको क्लाइंट कहता है कि जी इनको आप करो पोस्ट करो, तो हाउसिंग ऑफर्ड के हम ऑफर कर रहे हैं, हाउसिंग ऑफर्ड, ठीक है। इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आ गया। अब वो हमें कह रहे हैं रूम एंड शेयर्स, या अगर आप रेंटल का काम कर रहे हैं अपार्टमेंट्स, हाउसिंग्स फॉर रेंट हम इनमें नहीं कर रहे हैं, हाउसिंग स्वैप, ऑफिस एंड कमर्शियल। अगर हम ऑफिस एंड कमर्शियल पे करेंगे तो $5 पर पोस्ट जो हमारा चार्ज करेगा। पार्किंग एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट बाय ब्रोकर, रियल एस्टेट बाय ओनर, ज़्यादातर रियल एस्टेट बाय ब्रोकर या ओनर ही चलता है। अब मेरा क्लाइंट ओनर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, सो रियल एस्टेट बाय ओनर में मैं जाके इसको पोस्ट करूँगा। तो ये यहाँ करेंगे। पोस्टिंग टाइटल सिटी और नेबरहुड, पोस्टल कोड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्क्वेयर फुटेज, हाउसिंग टाइप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे क्लाइंट की हैं जी लैंड्स हैं, ठीक है ना, यानी कि वैकेंट लैंड्स हैं वहाँ, कोई लॉट है कह लो, लॉट या लैंड। तो यहाँ पहले तो हमने टाइटल डालना है, ठीक है ना। टाइटल डालने के लिए मेरे पास इधर बना हुआ भी है, ये मैंने पहले जो पोस्टिंग की है उसका भी सामने शो हो जाता है अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये डाल देते हैं, या ये टाइटल डाल देते हैं, ठीक हो गया। सिटी कौन सी है जी, फोर्ट गैरलैंड है, और इसका पोस्टल कोड क्या है जी, 81133 है। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो डिस्क्रिप्शन मैं उधर से ज़रा कॉपी करके लाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आइडिया क्या हो जाए यार, आपको पता चल ही जाएगा ना, मीन्स के जब यहाँ मैं पेस्ट करूँगा अभी इसको, तो ये मैं उधर से करके ला रहा हूँ कॉपी, देन ये पेस्ट, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। और ये थोड़ी सी डिटेल्स और भी हैं जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है, ये मैंने वो भी कॉपी कर ली। पूरा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ, वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। अब प्राइस क्या हमने देनी है जी, 21,000 है,
और स्क्वेयर फुटेज हम अभी निकाल लेते हैं 10 एकर्स, क्योंकि यहाँ स्क्वेयर फुटेज का ऑप्शन होता है। तो हम इसको आप सिंपल जो है गूगल पे खोल सकते हैं कि एकर्स टू स्क्वेयर फुट, तो ये आपको कैलकुलेटर खुल के आ जाता है वहाँ का। तो आप सिंपल उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाउसिंग टाइप क्या है हमारी है लैंड, लास्ट पे ऑप्शन आ रहा था। यहाँ हमारे अपार्टमेंट, कंडोज, डुप्लेक्स, फ्लैट, कोई चीज़ भी अगर आपके वो ऐड कर सकते हैं। हमारी यहाँ लैंड, सो इसको हम लैंड करेंगे। अब ये लॉन्ड्री लाजमी इन्होंने कर दिया ना, तो इसको हम नो लॉन्ड्री ऑन साइट एंड पार्किंग ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रीन हुए होते हैं ये मस्ट जो है ना हमने ऐड करने होते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पोस्टल कोड, लॉन्ड्री, पार्किंग, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं। सो ईमेल लाजमी है, ईमेल दे दिया। अगर आप फ़ोन देना चाह रहे हैं तो आप इसको शो में फ़ोन नंबर, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन कॉल्स भी आएँ, ठीक है, टेक्स्ट मैसेजेस भी आएँ, इन बॉक्सेस को क्लिक कर दें। अगर आप फ़ोन नंबर देने नहीं चाह रहे तो इसको आप चेक मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब मैंने फ़ोन नंबर डालना है इसमें, तो फ़ोन नंबर जी हमारा क्या है, फ़ोन नंबर है ये वाला 402398, ठीक है। कॉन्टेक्ट नेम टेलर, कॉन्टेक्ट नेम डाल दिया। अगर आप डालें तब भी ठीक है, ना डालें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमने सारी डिटेल्स जो हैं पुट कर दी हैं, टाइटल, सिटी सिटी और नेबरहुड, जिप कोड, ठीक है, पोस्टल कोड, और ये उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्क्वेयर फुटेज, लैंड है, ये हर चीज़ ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे हम जो है क्लिक कर देंगे। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे मैं दोबारा लोकेशन के बारे में पूछेगा, तो यहाँ मैं फोर्ट गार्लैंड, पोस्टल कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंटिन्यू करूँगी चीज़ मुझसे अब ये पूछेगा, क्योंकि मैं अब जिस एरिया में ये मौजूद है प्रॉपर्टी, जो हमने सिटी और पोस्टल कोड दिया है, ये है यहाँ पे, दिस इज़ इन द पेबलो रीजन, बट यू आर पोस्टिंग फ्रॉम द हाई रॉकीज़ रीजन, शुड द पोस्टिंग बी सर्चेबल प्राइमरली बाय पेबलो और हाई रॉकीज़ यूज़र। वो पूछ रहे हैं भी पहले किसको नज़र आए, यानी कि कौन से जो रीजन की ऑडियंस है उसको जो हमारी पोस्ट है वो शो हो। सो इस वक्त हम मार्केट जो टारगेट कर रहे हैं वो हाई रॉकीज़ है, सो हम इसको हाई रॉकीज़ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज उस पर आएगा, ठीक है। इसके बाद इमेज ऐड करने का ऑप्शन होता है, हमने इसको इमेज को ऐड करना है। ये मेरे पास पड़ी है लैंड टू, लैंड टू की इमेज, ये मैंने ओपन। यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कि आप पिक्चर पकड़ के लाएँ यहाँ पे, जैसे यू कैन आल्सो ड्रॉप इमेज फाइल्स हियर टू अपलोड दैम, कि हम उसको पकड़ के लाएँ तो यहाँ पे उसको अपलोड भी कर सकते हैं। डन विद इमेजेस। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की कि मैंने लॉगिन नहीं किया, ठीक है। अगर मैं लॉगिन करता तो क्या होना था, ये मेरी पोस्ट जो है ये वैसे ही फ्लैग हो जानी थी, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था मुझे इसको ना करने का, पोस्ट करने का। सो मैंने उसको लॉगिन नहीं किया, लॉगिन के बगैर मैंने वहाँ पे ईमेल दिया, फ़ोन नंबर दिया, सब चीज़ें दी, ईमेल वही दिया जिस पे उसका अकाउंट बना हुआ है क्लाइंट का। अब जब मैं यहाँ से हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करूँगा, तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद एक ईमेल उसके ईमेल पे चला जाएगा, ठीक है ना। ईमेल पे जाएगा, वो उसको ओपन करेगा और वहाँ लिंक दिया होगा एक्टिवेट करने वाला, वो 30 मिनट के लिए जाता है। आपने क्लाइंट को उसी वक्त यह कहना है कि मैं पब्लिश कर रहा हूँ पोस्ट, यहाँ से आप उनको क्लिक करके एक्टिवेट कर दो, ठीक है। मेरा क्लाइंट तो एक्टिवेट कर देता होता है, जो काम परमानेंट करवा रहे हैं वो करते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये तो हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे कहो कि भाई हमें एक्सेस दो अपने डेस्क की, एनी डेस्क के ज़रिए दे दे, या आपको टीम व्यूअर के ज़रिए दे दे, किसी भी चीज़ के ज़रिए, यानी कि आपको एक्सेस दे देता है। ईमेल आप उसका खोलोगे और वहाँ से आप जो उसको एक्टिवेट कर दोगे, या आप एनी डेस्क के ज़रिए उसके ही लॉगिन पे वहाँ पे आप पोस्ट करोगे, इस तरह ही हो सकता है। अदरवाइज़ आप यहाँ उसका ईमेल लॉगिन करके करोगे तो भी पोस्ट नहीं होगी, ठीक है। एक पोस्ट में थोड़ा सा इशू आया, मैं आपको थोड़ा सा, मैंने अकाउंट उसका किया हुआ है, अपने लॉगिन भी है मेरे पास ऑलरेडी, तो जो पोस्ट मैंने की हुई है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख लें, एक जो ऐड है ये पोस्ट नहीं हुई क्योंकि इसका टाइटल सेम आ रहा था यहाँ भी और यहाँ भी, जिस वजह से थोड़ा सा इशू बन गया। तो ये एक पोस्ट नहीं हुई, अदरवाइज़ बाकी सारी माशाल्लाह से एक्टिव खड़ी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 6 जून की भी खड़ी है, 8 की भी खड़ी है, और अभी आप देख रहे हैं कि 9 जून हो चुकी है। तो क्यों खड़ी हैं कि इस तरीक़ेकार से पोस्ट करने से, जो मैंने तरीक़ेकार यूज़ किया है, कि मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि भाई उधर से एक्टिव करना है तूने, यहाँ से मैं पोस्ट करूँगा विदाउट लॉगिन, ठीक है। विदाउट लॉगिन जब पोस्ट कर रहे हैं तो आपकी ऐड बहुत कम चांस होता है कि फ्लैग होगी, ये सबसे मेन चीज़ है, इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक रेगुलर पोस्टिंग का आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से करते हैं और सही तरीक़ेकार क्या है, जिससे आपकी ऐड जो है फ्लैग नहीं होगी, कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।